ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2022 में सावन का महीना कब से कब तक है, सावन सोमवार की तिथियां और साथ में सावन माह में पड़ने वाली सावन शिवरात्रि कौन सी तारीख को पड़ रही है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों सनातन धर्म में श्रावण यानी सावन मास का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। हिंदी पंचांग का यह पांचवा महीना होता है। इस माह में भक्त भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर उनका जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि यदि सावन महीने के सोमवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत रखा जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के सोमवार कुंवारी कन्याओं के लिए काफी खास माने जाते हैं। कहते हैं कि सावन में भगवान शिव की उपासना करने से कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इस माह में मंगला गौरी व्रत भी किए जाते हैं जिनका अपना खास महत्व है। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि इच्छा पूर्ति के लिए शुभ मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से सावन का महीना सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है। साल 2022 में सावन का पवित्र महीना 14 जुलाई दिन गुरुवार से आरंभ हो रहा है जो कि 12 अगस्त दिन शुक्रवार तक चलेगा। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं इस साल सावन मास में सावन सोमवार के व्रत कब कब पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को, सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को, सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को और सावन का चौथा सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। साथ ही सावन शिवरात्रि व्रत 26 जुलाई मंगलवार को पड़ेगी। आइए अब जान लेते हैं श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विधान क्या है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे तो सावन का पूरा महीना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, लेकिन इस माह के सोमवार मंगला गौरी व्रत, सावन शिवरात्रि और सावन पूर्णिमा बहुत खास होती है। सावन सोमवार व्रत की शुरुआत सावन मास से ही की जाती है। सावन सोमवार के व्रत सूर्योदय से आरंभ कर तीसरे पहर तक करने की मान्यता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत करने वाले व्रती को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। इस माह भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप चाहें तो घर में पूजा करें या फिर किसी मंदिर में, वहां पर स्वच्छता का खास ख्याल रखते हुए पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव की प्रतिमा का दूध दही घी शक्कर और फिर गंगाजल मिले जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर भस्म या चंदन से त्रिपुंड बनाएं और फिर उनके प्रिय पुष्प बेलपत्र धतूरा व अन्य प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करें और सावन सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें। हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे।